हे दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए बहुत बड़ी डिटेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन से होता है और मार्क्स के बेसिस पे होता है। इसके अलावा दो और भी तरीके हैं जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो ना ही कट ऑफ को आपको टेंशन होगी, ना ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की टेंशन होगी। आपको डायरेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, यानी डायरेक्ट एडमिशन होगा। ना ही आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और ना ही आपका कट ऑफ हाई जाएगा या आपको 90% की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कैसा एडमिशन होगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आपके हित के लिए है ये वीडियो, आपके परिवार के हित के लिए है और आपके देश के हित के लिए है। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अभी भी नया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया देश का नंबर वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चैनल बनाने के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टू स्किप्स स्पॉट ट्रायल्स कोटा एडमिशन इन 2021-22 बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, ना ही मार्क्स के कट ऑफ पे एडमिशन होगा और ना ही मार्क्स के कट ऑफ पे होगा। इसके मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसके मतलब ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का सबसे बड़ा सीट्स के मामले में यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 95,000 के आसपास हर साल दाखिला होता है, यानी एडमिशन होता है, जिसमें से आपका यूजी जो है वो खुद ही 55,000 है और पीजी 20,000 है। तो स्पोर्ट्स कोटा का जो परसेंटेज है, अगर ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के मिला दिया जाए तो 5% आएगा। तो पूरे टोटल सीट्स का 5% निकालेंगे तो भी 4,000 से 5,000 सीटें जो हैं वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ही एडमिशन होंगे और ईसीए के थ्रू ही होंगे। इसका मतलब ये होता है कि किसी बड़े यूनिवर्सिटी में जैसे 5,000-6,000 के एडमिशन होता है, इसमें तो सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा के ही 4,000 से 5,000 सीटें हैं, किसमें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो रजिस्ट्रेशन जो यूजी का होने वाला है 2 अगस्त से और पीजी के 26 जुलाई से। तो गुप्ता जी जो कि एडमिशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया है मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन मीडिया से बात करते हुए जो गुप्ता जी हैं जो कि एडमिशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि एडमिशन सेक्शन ने ये डिसाइड किया है कि वो अगस्त से हम लोग यूजी के फॉर्म निकालेंगे और 26 जुलाई से पीजी के फॉर्म निकालेंगे और पूरे अगस्त तक रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। लास्ट ईयर भी कोरोना महामारी के देखते हुए कोई स्पोर्ट्स का और ईसीए का ट्रायल नहीं हुआ था। ट्रायल मतलब जैसे आपको सिंगिंग में बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो सिंगिंग करवा के फिर कंपटीशन करवा के उसके द्वारा, ट्रायल के द्वारा आपका एडमिशन होता था। और अगर आप क्रिकेट खेलने में माहिर है, फुटबॉल खेलने में माहिर है, बास्केटबॉल खेलने में माहिर है, टेबल टेनिस है, तो ये सब का खेल का ट्रायल लिया जाता है और ट्रायल लेने के बाद आपका नंबर दिया जाता है। लेकिन पिछले साल भी कोरोना की वजह से कोई ट्रायल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है इस साल भी स्किप हो जाएगा, इस साल भी आपको एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन किस बेसिस पे मिलेगा ये बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5% जो सीटें हैं डीयू में नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, साउथ कैंपस में भी बहुत सारे जैसे एआईडीएस कॉलेज है, वेंकटेश्वरा कॉलेज है, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस है, यानी कोई ऐसा एक कैंपस वाला यूनिवर्सिटी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा कैंपसेज हैं, तो 5% सीटें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, फीस भी अभी बहुत कम है और इसमें करियर का सक्सेस का बहुत ज़्यादा रेट्स है। दोस्तों आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपका जो मार्कशीट होता है यूनिवर्सिटी का, उसके बेसिस पे कट ऑफ तैयार होता है और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होता है उस पर आपका DUET के कट ऑफ जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स ट्रायल की बात करें तो यहाँ पे आपका जो आपके लास्ट 3 साल में कहीं भी आपका सर्टिफिकेट मिला होगा पार्टिसिपेशन का, चाहे नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्कूल लेवल हो, कोई भी CBSE जो स्कूल जो होते हैं उसके रिकॉग्नाइज खेल होते हैं उसमें आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला हो तो वो हाईएस्ट वाला लगाइएगा और लास्ट 3 सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और लास्ट 3 साल में, जैसे मान लीजिए कि 2021 में एडमिशन लेना है तो आप 2020 का ले लीजिए, 19 का ले लीजिए और 18, 19, 20 का सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे कोई भी खेल का पार्टिसिपेशन या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेशन। तो इसकी बेसिस पे ही आपके, मतलब आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। किसके सर्टिफिकेट पे, मार्कशीट पे नहीं, आपके खेल में जो भागीदारी है उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी भागीदारी है उसके बेसिस पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका मार्कशीट का कोई मतलब नहीं होने जा रहा है ईसीए और स्पोर्ट कोटा एडमिशंस में। और ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बिल्कुल फ्री में एडमिशन्स होगा। और आप, क्योंकि खेल क्या होता है कि खेल में लोग बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, तो खेल से अपना मनोरंजन भी होता है, हेल्थ भी अच्छा होता है और एडमिशन में फ़ायदा भी हो जाता है। और ना ही आपको टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत पड़ती है। और खेल के कोटे से आपको अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है और कहीं कहीं रेलवे में तो जॉब भी लग जाता है, जैसे धोनी जी का स्पोर्ट्स कोटा पे लगा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आने वाला है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।